फाइनली गाइस हमें एक लोकेशन मिली जहाँ पे हम रुके और काफ़ी प्यारी जगह, आप भी देखिए बहुत सुंदर लोकेशन है। और ये अपना सेटअप भी खुल चुका है, निकालने लग गए सामान। तो मैं आपको बताई देती हूँ हम क्या बनाने वाले हैं इस लोकेशन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने हमें लास्ट व्लॉग में देखा, तो हम लोग आए हुए थे हुंदर पर। इस लोकेशन को करते हैं अब विदा, निकलते हैं यहाँ से। उससे पहले एटीवी राइड करके आते हैं, उनसे मिल के आते हैं, उनको बाइक आता है, उसके बाद निकलते हैं सीधे पेंगोंग लेक को। क्योंकि जो यहाँ से दो रास्ते हैं, एक रास्ता था सीधे यहीं पर जहाँ पर हमारी एटीवी राइड थी, वहाँ पर टी पॉइंट है, वहाँ से कटता है। और एक दूसरा रास्ता है जो यहाँ से काफ़ी आगे जाना पड़ता है, उसके बाद कटता है। जो दूसरा रास्ता है ना, वो हुआ है बंद अभी, तो एक ही रास्ता रह गया है अभी टी पॉइंट वाला। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने एटीवी राइड पॉइंट पे, यानी कि टून वैली पे। टून समझ रहे ना, देहरादून, देहरादून का मेरा खून कर्मा। मैंने वहाँ पर लगा दिया ड्रोन सेट करके, और बाकी ये है गाड़ी अभी जिसमें लेके चलूँगा। लास्ट टाइम सौरभ ने चलाई थी तो मैंने चलाई नहीं थी, काफ़ी टफ लगी थी मुझे। तो इस बार देखो भाई से पूछते हैं कैसे चलाता है, भाई बताएगा हमें। चलो भाई चले। इस बार तो चलाने मजा आ रहा है, लास्ट टाइम तो चलाई थी ना, बहुत हैवी थी यार वो। अभी तक तो खुद चल रहा था, अब ये संकल्प भी आ गया मेरे साथ पीछे से, भैया लेके आ गए इसको, ये बच्चा आ रहा है कि आपके साथ। मैंने कहा ठीक है, संकल्प आ गया, ठीक है इसको ले चलते हैं। धीरे धीरे हौले हौले चलेंगे आगे को, आराम से, कहीं रिस्क कुछ लेना नहीं हो, बच्चा साथ में आ चुका है आपको। बाकी एडवेंचर कुछ ज़्यादा करना नहीं है भाई, ठीक है। मैं नॉर्मल चला, नॉर्मल आना, ड्रोन लगा रखा है हमने, पैरल चलेगा हमारे, वो सूट करेगा तगड़ा बाकी वाला। लगे बाइक चलाई कैसा लगा आपको? अच्छा था। मजा आया? नहीं आया? आया। भाई बताओ यार कैसा था मेरा चलाने का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया सर। मजा आया आपको बैठने पीछे? यार पिछले बार जो चलाई थी छोटी वाली वो बहुत हैवी थी, इस बार जो चलाई मैंने 4x4 थी, वो थी 4x4 थी और साथ ही पावर स्टीयरिंग थी, तो वो बहुत ईजिली चल रही थी, इसीलिए हैंडल कर रहा था। ये तो बहुत टफ है यार। जल्दी रूम पे पहुंच गए थे, काफ़ी जल्दी पहुंच चुके थे, यानी कि 3:15 बजे पहुंच गए। वैसे तो 3 बजे पहुंच गए थे, हमने रेस्ट किया काफ़ी। मैंने उनसे पूछा कि कोई जगह है आसपास घूमने की, तो उनने कहा एक जगह है घूमने की, पैनामिक नाम की जगह बता रहे थे। कहते हैं वहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, मतलब हॉट गर्म पानी आता है, कहते हैं कुंड टाइप का, एक टाइप से जो अपने यहाँ को बोलते हैं ना कुंड करके, तो उस टाइप का है कह रहे थे। तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से सीधे आगे, करीबन 40 किलोमीटर दूर बैक वहीं पर आएंगे। हमारा नाइट के स्टे आज भी वहीं पर रहेगा, आज अपना पॉसिबल रहा तो कार कैंपिंग करेंगे, अदरवाइज़ वही अपना कल की तरह ही सेटअप रहेगा। दिक्कत हो जाती कई बार संकल्प ना, वहाँ पे हवा का भी तेज चली, संकल्प थोड़ा रोने लग जा रहा था। क्या ही जबरदस्त व्यू लग रहा है यार, इस साइड को आगे तो अलग ही व्यू लग रहा है बिल्कुल। जस्ट रोड के बगल में नाला कहे, नदी कहे, मतलब जबरदस्त वाली है। अब पीछे तो और जबरदस्त था, आगे थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन पीछे बहुत जबरदस्त है, मज़ा आ रहा है इस व्यू में भी, है ना। रोड बिल्कुल मक्खन मार के तो आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं अपनी लॉन्ग ड्राइव की तरह, लॉन्ग ड्राइव फील करते हुए ना। देखो इस टाइप का तभी हो सकता है जब ट्रिप में हमारी डिस्टेंस बहुत कम हो, जैसे आज कम थी हमारी, आज ओनली 30 किलोमीटर उस साइड के, 30 किलोमीटर वापस आए, 60 किलोमीटर्स। अभी शाम को मन किया हमारा तो 30 किलोमीटर और आगे इधर को। आज तो वही फील हो रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल मोटू, लॉन्ग ड्राइव पे चल, ठीक है चलो चलो। कहाँ चलो, चली तो रहे कब से, लॉन्ग ड्राइव भी तो हो रही है तुम्हारी।
क्या है, गजब का मौसम हुआ है यार। और देखो आगे तो व्यू भी बहुत जबरदस्त दिख रहा है, उन साइड से पेड़ दिख रहे हैं ना, बीच से रास्ता है। क्या ही गजब लगता है ना इस रास्ते में। मतलब मेरा तो मन करता है ऐसे को मैं ड्रोन शॉट लिया जाए, लेकिन जगह थोड़ा सा कम है ना, यहाँ पे एक दूसरा आर्मी का एरिया भी है। लास्ट टाइम तो ये था ना कि मैंने जब एटीवी राइड करा हुआ था तो वहाँ पे मैं ड्रोन पूरा बढ़िया से उड़ाया था, बट इस बार वो कह रहे थे कि ड्रोन नीचे नीचे उड़ाना, ऊपर को मत उड़ाना, क्योंकि ऊपर को उड़ाने पे कह रहे थे आर्मी कैंपस है वहाँ पे, तो वो लोग सिग्नल जैम कर देते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो गजब ही दिक्कत हो जाएगी भाई, इसलिए मैंने काफ़ी नीचे से उड़ाया और काफ़ी कम ड्रोन शॉट लिया मैंने इस बार। ये देखिए यहाँ पे एक है बुद्ध का स्टैचू भी, काफ़ी सुंदर है यार। अभी रुकने का मन तो हो रहा है बट निकलते सीधे आगे, क्योंकि ना मैडम का आज मूड बना हुआ है खाना बनाने का। मैडम कह रही आज कुछ तो खिलाऊंगी तुम्हें, आज मैं कुछ तो खिलाऊंगी, लेकिन रोज नहीं खिलानी, आज खिलाऊंगी, कहती नहीं है खाना नहीं खिलाऊंगी, कुछ स्नैक्स ही खिलाऊंगी। हाँ ठीक है, जो भी खिलाओ कुछ तो खिलाओ हमें, क्योंकि खाना तो अभी खा के आ रहे हैं। हाँ ये भी सही कह रहे हो आप। तो हम लोग ना भैया के यहाँ पे सब्जी वब्जी लेने आए थे अपने रास्ते, क्योंकि मैडम का मूड था, आपको बताया था मैंने खाना बनाने का मूड है आज मैम का, तो भैया सब्जी लेने, भैया बता रहे हैं कि कश्मीर से यहाँ आ रखे। भैया बताओ यहाँ कितने, तो 8 महीने यहाँ रहते हो, 3 महीने घर, 9 महीने यहाँ, 3 महीने घर अपना है ना, कैसे कर लेते हो आप यार घर से इतने दूर रह के, क्या करें, काम के लिए करना पड़ता है सब। यहाँ और भी कोई है, आप अकेले रहते हो अपने? भाई है। अच्छा शादी हो गई आपकी? अच्छा अच्छा शादी नहीं हुई, तभी रह रहे हो इतना दूर, तभी रह रहे हो भैया, लाते क्या भैया साथ यहाँ आते उनको नहीं लाते ना घर होता है, मिलेंगे आपसे फिर देखते हैं आपको, 2 साल बाद आएंगे तब मिलेंगे दोबारा आपसे। यार ये देखो क्या ही गजब की चीज़ बना देते हैं यार, देखो आईवैक्स के सिंग लगा के पीछे उस पे, और आगे भी एक ये है गाय बनाई हुई है आगे, देखो यही होता है ना कि अगर हम घर से बाहर निकलते नहीं ना कि यहाँ का घूमने, हमें ये चीज़ कभी नहीं दिख पाती, कभी नहीं, सही बात है। मैडम यार पॉइंट तो रखते हो यार तुम बातों के, नहीं बोलते कुछ नहीं हो बस, यार वो ना थोड़ा ऐसे ही रहता है, मेरे को सफर में थोड़ी दिक्कत रहती है, वोमिटिंग वगैरह की। यस ब्रिटिश को काउ कहते हैं, काउ एंड आईबैक्स, आईबैक इसके बड़े बड़े सींग होते हैं ना, वो हुआ पिटी। हेलो करते दालूं को, पोछो देगा सबको, बना दे दो यार बच्चों को, पोछो देगा, लो पकड़ो पोछो पकड़ो, थैंक यू सबको, और दो वेलकम कह दो बिट्टी, थैंक यू वेलकम कह दो बिट्टी, आप वेलकम, ये लो ये लो, सबको दे दो दालूं को, थैंक यू वेलकम कहते हैं बिट्टी। भैया कितने पड़ता है अब ये, कैसे लग गई बेटा, कैसे लगी उसके आईब्रोज में लगी है। कोई बात नहीं, खाओ आराम से खाओ बेटा, बाय बाय। हमारे पास तो बनानास पड़े थे, फ्रूट्स पड़े हुए थे ना, तो हमने कहा तो 4 बच्चे दिखे स्कूल से या ट्यूशन से कहीं से आते हुए, तो हमने एक एक बनाना सबको दे दिया। आप देखो पीछे खेल रहे हैं अपना, ये देखिए बच्चों को थोड़े में ही खुशी मिल जाती है ना, फ्रूट्स देने के लिए अच्छा हुआ। हाँ बच्चों को दे दिया आपने, गुड गुड बॉय, गुड बॉय। तो फाइनली गाइस हमें एक लोकेशन मिली जहाँ पे हम रुके, और काफी प्यारी जगह, आप भी देखिए बहुत सुंदर लोकेशन है, और ये अपना सेटअप भी खुल चुका है, निकालने लग गए सामान। तो मैं आपको अब बता ही देती हूँ हम क्या बनाने वाले हैं इस लोकेशन में, चाय और पकौड़ी। हाँ क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है ना, अभी तो हर जगह ठंडा था। तो हम लोगों की प्रोसेस हो चुकी है स्टार्ट, तो ये है यहाँ के लोकल पालक, जो हमारे यहाँ से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, है ना। हाँ देसी पालक है, थोड़ा अलग होती है यहाँ की पालक। तो हम बना रहे हैं आलू और प्याज की पकौड़ी ना, हाँ। आलू पालक प्याज की पकौड़ी है ना, अगर पनीर भी होता मज़ा आता ना, हाँ। पनीर लेकिन मिला नहीं हमें यहाँ पे, तो हम लोगों ने कहा नॉर्मल ऐसी पकौड़ी बना लेते फटाक से, जो हमारा जल्दी बन सके, साथ में बनाएंगे चाय हम, बो तो आपके लिए पकौड़ी बनाएं, ठीक है डन। तो देखो हमने सब अपना व्यवस्था पानी खोल लिया है पूरा सेटअप आज, है ना मोटू। मैडम काटी है पालक, टोली काटी है आलू, और मैं कर रहा हूँ ऑयल गरम फटाक से, और पोतो बैठ के छत पर सब कुछ देखने के लिए, है ना, जिसमें आपको कंफर्ट मिले ना उस टाइप से काटो, जिसमें आपको आराम मिले बनाने का, है ना। हाँ, तो पकौड़ियाँ ना मेरे से ज़्यादा टेस्टी ये बनाती है। अच्छा तो बनाई है, तो अभी जो हमारा ये होगा कचरा होगा ना, सब हम इसको डस्टबिन में डाल देंगे अपने, या फिर कोई पॉली में बांध देंगे, है ना। वैसे तो ये सब डिस्पोज होने वाला है, सब खत्म होता है प्याज के चक्कर में, इनको तो मैं यहाँ खेत में डाल सकते हैं, खाद बन जाएगी यहाँ पे, है ना। तो मैडम हो गए प्रोसेस स्टार्ट, मज़ा आ जाएगा मेरा मास्क को। तो चाय भी बनाना शुरू करें या थोड़ी देर में बनाए, आराम से बनाते हैं ना, पोर्टेबल में स्टार्ट कर सकते हो आप, वो ठंडी हो जाएगी। नहीं नहीं थोड़ी देर में करते हैं स्टार्ट को, थोड़ा आधी पकौड़ी बन जाए ना, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो गर्म गर्म रहेगी, तभी तो मज़ा आएगा पकौड़ी खाने में, गर्म गर्म पकौड़ी, गर्म गर्म चाय, ठीक है ना। पोतू आप एप्पल खा रहे हो,
खाओ खाओ, गुड बाय गुड बाय। ठीक है डन। हाँ हाँ मैडम, वो गया ना जुगाड़ परफेक्ट वाला है ना, तो हल्का सा बारिश के छींटे आने पड़े क्योंकि मौसम भी खराब हो गया। देखो इस साइड को खराब है और इस साइड को साफ हो रहा है, तो छींटे वीटे आने लगे, तो हमने कहा टाप निकालने से अच्छा है कि अपना पोंछो को लगा देते हैं ना। हाँ। पोंछो भी काफ़ी अच्छा टाप का काम ही कर लेता है परफेक्ट हमारा। जब तक तेज़ नहीं आ जाएगा, तेज़ आएगा तो फिर हम कुछ और जुगाड़ देखेंगे, क्योंकि इसके ना बीच में टोपी पहनने वाला होता था कुछ साइड पर, तो थोड़ा वेंटिलेशन के लिए भी खोल लगा हमने। मैडम बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइएगा हमें, हम उसका भी सुझान करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है हाँ हाँ। क्योंकि ये दिख रहा होगा आपको हमारा बिस्तर, क्योंकि ना पीछे बैठने की जगह बनाई हुई है इसलिए हमारा सारा बिस्तर पीछे को है। अगर अभी हम यहाँ पे एक साइड का चूल्हा यूज़ करते हैं तो हमारा हॉकी स्टिक लगाते हैं, उससे खड़ा हो जाता है बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। बट हमने हॉकी स्टिक को यूज़ नहीं किया क्योंकि दूसरी साइड का स्टैंड में हमारा यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमें ऐसा ही सही हो रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि हमने चूल्हा बाहर को एक्सटेंड किया हुआ है ना। बाकी तो देखो बढ़िया सब मजा आ रहा है। बाकी जो एक्स्ट्रा सामान था हमारे पास वो सबने उपलब्ध दिया अभी, जैसे कि प्लेट जो भी हमें यूज़ होना, जैसे प्लेट है, मक्खन है। मक्खन यूज़ करोगे इसमें? नहीं नहीं, मक्खन नहीं है, मक्खन तो वैसे निकाल दिया क्योंकि वो अंदर था ना इसके अंदर पे, तो वो निकाल था दिक्कत करता है बर्तनों के साथ में, तो बर्तन के साथ निकल जाता तो बर्तन के साथ ही अंदर भी जाएगा वो। मैडम बाहर ही जा रहा है, एक लॉट टेस्ट कर लूँगा जो निकाली तुमने, खा लो, चेक कर ले। हाँ हाँ ठीक हो गया, नाराज तो नहीं हो गया ना पहले खा जा करके? क्या है गजब का स्वाद आ रहा है, मज़ा आ गया, कुछ कम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, मज़ा आ गया। एक पीस और लेता हूँ इसको, सीमा कोई तारीफ कर गया तुम्हारी, मज़ा आ गया। मैडम अगर टाइम बचा तो पैंडेमिक चलेंगे, अदरवाइज यहीं से घर चलते हैं ना, अपनी फर्स्ट क्लास पार्टी होगी, अपना खाना हो गया, इतनी अच्छी बढ़िया सी लोकेशन में है ना। हाँ। इसके अंदर यहीं से बैग चलेंगे। ठीक है बन गया मैडम कॉल आउट, एक तो खाली कर दिया हम लोगों ने, दूसरा भी तैयार हो गया। बढ़िया बन गई, बढ़िया। आप चाय रख दिए ना? हाँ, अगली बार एक काम करेंगे, इलायची नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, इलायची मेरे को पता है कहाँ है, उसके साइड नीचे वाले में साइड में भी। अच्छा चलो छोड़ो, अभी थोड़ा इसके बाद ही पकौड़े के साथ चाय ना हो तो क्या हो। सही बात है, पकौड़े के साथ चाय जरूरी है ना, तभी मज़ा आता है, वो भी एकदम कड़क कड़क चाय। तो हमने बनाई पकौड़ी और चाय, डॉली पीती है कॉफ़ी, जो कॉफ़ी वो पी नहीं रही है अभी, वो कहीं बाद में पी लूँगी। हमने कहा चलो ठीक है दिक्कत नहीं। तो मैडम हो गया चाय, खाएं तुम्हारी चाय पकड़ो यार, तो चाय मज़ा आएगा ना, तो तुम चाय पकड़ोगे। टॉली कैसी हो रही है पकौड़ियाँ? बहुत अच्छी, मस्त। पकौड़ी के साथ जो मज़ा है ना चाय पीने का, वो किसी में नहीं है भाई। आ हा हा मज़ा आ गया, कैसे हो रहा? मस्त, स्वादिष्ट, चाय भी ज़बरदस्त हो रही, मज़ा आ रहा है। वहाँ पर आ गया क्या तेरी? अभी अभी देखिए पानी कितना आ गया, मतलब आगे साइड को बारिश हो रही है, सही जगह पर रुके, मतलब हम लोगों की देखो कितना पानी आ गया, अभी तक बिल्कुल पानी नहीं था इस साइड पे। हम लोगों ने खाना खा लिया, मतलब चाय और पकौड़ियाँ खा ली हैं, काफ़ी बढ़िया था, मतलब मज़ा आ गया सच में, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, जिससे मतलब कह सकते हैं भूख भी अब ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, है ना, भूख भी ख़त्म हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, अब फटाफट चलते हैं बैक, वरना अगर आगे जाएंगे तो फिर आने में हमें लेट हो जाएगा, फिर रात को गाड़ी चलाने में वैसे आराम मिलता नहीं है भाई, उससे मतलब वैसे अकेले में मज़ा आता है, फैमिली के साथ मज़ा नहीं आता है, क्योंकि ना रात को थोड़ा रिस्क होता ही है, कुछ भी कहें आप।